दिल्ली के रामलीला मैदान में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां देश भर से जुटे इमाम लोगों को धार्मिक कट्टरता छोड़ने का संदेश दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में युवाओं से आतंकवाद का रास्ता छोड़ने की अपील की जा रही है। एक खूबसूरत कोशिश, रिपोर्ट देखिए। आतंकी हमलों के जरिए इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले शायद ये नहीं जानते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। या सुनफियत, या अहलेदीसियत, मेरे भाई और बुजुर्गों, इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की जाती है और मुल्कों के मुल्क और मुल्कों के सरबराह और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि ये इस कदर कसरत से झूठ बोला जाता है कि लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते हैं। ये पैगाम उनके लिए है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो इस्लाम को सिर्फ आतंकवाद और कट्टरता से जोड़कर देखते हैं। इस्लाम को लेकर के भ्रांतियां हैं, जो गलत संदेश फैलाया जा रहा है वो रोका जाए। ये तमाम धर्मगुरु हैं जो चाहते हैं कि पूरे देश में जो माहौल है वो बेहतर रहे, लोग प्यार से रहें, और इस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। रामलीला मैदान में 34वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के इमाम इकट्ठा हुए हैं। अहले हदीस एक ऐसा संगठन है जो पहले भी आतंकवाद के खिलाफ फतवे जारी कर चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद विश्व शांति की स्थापना और मानवता की सुरक्षा करना है। हमने आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक फतवा दिया था, और फिर जब आईएसआई का मसला आया तो 6 के बाद फिर हमने 14 के आखिर में ये आईएसआई दाइश के खिलाफ हमने सामूहिक फतवा दिया था। उस वक्त भी हमारा पूरा हिंदुस्तान हाजिर था।